साहब ये बताएं कि आज जो ये प्रोग्राम आप लोग लॉन्च कर रहे हैं इधर से क्या यूपी वेस्ट का टारगेट है, कितनी पब्लिक को टारगेट करेंगे आप लोग? ये NFHS सर्वे है, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से सैंपल साइज के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इन आर डिस्ट्रिक्ट 45 विलेजेस हैव बीन चोजन, 45 विलेजेस में हर विलेज में लगभग 22 फैमिलीज को सर्वे किया जाएगा। इसमें ये सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसलाइन सर्वे है जो यूज़ होगा प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम्स में। इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारी जो नीड्स हैं फैमिली की, जो हमारी पॉपुलेशन की नीड्स हैं, उसको हम किस तरह से उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हेल्थ इंडिकेटर, वेरियस हेल्थ इंडिकेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो सर मैम आप बताएं कि जो प्रोग्राम है आप लोग IIT रुड़की में जो बच्चों को रख रहे हैं, कितने बच्चे होंगे जो इस प्रोग्राम में इंक्लूड होंगे? हमें टोटल 25,000 हाउस होल्ड्स को करना है और हमारा जो टारगेट है वो हमें बाय मिड अप्रैल सर्वे खत्म कर देना है। तो हम नियरली 350 लोगों को ट्रेन करेंगे यहाँ पे, और ये जो टीम है 350 लोग, दैट कंसिस्ट ऑफ फीमेल सर्वेयर्स, मेल सर्वेयर्स और पैरामेडिक्स, जैसा मैंने पहले बताया, क्योंकि हम कुछ ब्लड टेस्ट भी कर रहे हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये 28 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी और ये पूरी टीम यहाँ पे, अभी फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग में 250 लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, दो फेज में पैरेलल ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि 250 लोगों को आप एक साथ नहीं ट्रेन कर सकते। तो यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स अलग अलग हैं, तो दो फेज में लगातार दो ग्रुप्स में ट्रेनिंग होगी और फिर एक महीने की ट्रेनिंग के दौरान कुछ क्लासरूम ट्रेनिंग्स हैं और कुछ हम फील्ड प्रैक्टिस करेंगे, गांव में ले जाएंगे इन लोगों। तो मैम जो बच्चे ले रहे हैं आप, वो क्वालिफिकेशन बेस क्या है उनका? हमारा मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और मैक्सिमम लोग इसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और जो हेल्थ की तरफ से है हेल्थ पैरामेडिक्स, वो पैरामेडिक उनका होना चाहिए, लैब असिस्टेंट्स हैं या ANMs हैं, JNM का कोर्स, जिन्हें ब्लड टेस्ट वगैरह लेना, बिल्कुल वैसे। और उसको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर अजी, जैसा मैंने बताया, इज अ BDS और डॉक्टर ही ट्रेनिंग देते हैं। कितने समय तक ये चलेगा सर्वे आपका? ये हमारा सर्वे चलेगा, इट हैज टू बी ओवर बाय लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो हमारा ये सर्वे लॉन्च होगा 2 जनवरी को, 31 दिसंबर तक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक दिन का बफर पीरियड लेके 2 जनवरी से हम लोग ये लॉन्च करेंगे, और ये एक साथ 4-5 जिलों में साइमल्टेनियसली लॉन्च होगा, क्योंकि अगर हम सारे जिलों में कर देंगे तो मॉनिटरिंग पॉसिबल है। तो 3-4 जिलों में हम स्टार्ट करते हैं, फिर टीम मूव। पहले चरण में कौन से जिले लिए हैं आपने? हम ग्रेटर नोएडा के आसपास के जिले लेंगे, कितने जेंट्सों से बात होगी और कितनी लेडीज और कितने बच्चों से? जैसे सर ने बताया कि हम मिक्स ऑफ ले रहे हैं अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, टोटल 45 एरियाज हैं एक जिले में। तो जब हम जाते हैं तो उनमें से 22 हाउस होल्ड सेलेक्ट होते हैं, तो उस 22 हाउस होल्ड में जितनी महिलाएं होती हैं जो एज क्राइटेरिया में 15 इयर्स से लेके 49 इयर्स तक, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हैं, क्योंकि फर्टिलिटी उन्हीं से निकल के आता है। तो हम उन महिलाओं, जितनी महिलाएं हैं उस घर में, उन सब का इंटरव्यू करते हैं, और जो मेल है उनका एज क्राइटेरिया आई थिंक इट्स स्टिल 54, हाँ, तो 15 से 54 मेल का है, तो मेल को हम इंटरव्यू करते हैं। और जो ब्लड टेस्ट होता है एनीमिया वगैरह का, और जो बायो हाइपोमेट्रिक टेस्ट होगा हाइट वेट, ये हम बच्चों का भी करते हैं 6 मंथ्स ऑनवर्ड, जो बच्चे होते हैं उनका भी करते हैं। मैम टोटल इसमें सर्वे के अंदर कितना डाटा रखा जाएगा, कितने लोगों का आप वो करेंगे? यूपी वेस्ट में हम लोग जो है 25,200 हाउस होल्ड, उसमें से हम लोग का 2 लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, एक स्टेट लेवल है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो हम लोग सारा कवर करेंगे, स्टेट मॉडल में 4 एक्स्ट्रा इंडिकेटर रखा गया, जो कि इसमें मेन का भी इंटरव्यू, मेन जो है डिस्ट्रिक्ट मॉडल में जो है इंक्लूड नहीं किया गया, स्टेट मॉडल में उसमें इंक्लूड किया गया। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे इक्विपमेंट्स जो है ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, सब हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज से मिला है, और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने कंज्यूमेबल्स हैं, बिल्कुल इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल। हेल्थ फील्ड में उनको जाना है, ठीक है, तो हमारा जैसे ये फेज 2 है, फेज 1 NFHS 5 का ऑलरेडी
ऑलमोस्ट इन पॉइंट पे है, दिसंबर लास्ट तक इन हो गया है। और फेज टू में जो रिमेनिंग स्टेट है जो भी, वो फेज टू के अंतर्गत होगा, जो कि हमारा रिफरेंस पीरियड है 1 जनवरी 2020। तो वहाँ से फेज टू के जितने भी स्टेट है उनका सर्वे, जब ये बच्चे गांव में एक्चुअली क्या है कि अब उस समय इन्वायरमेंट चेंज होगा, ओल्ड इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात इन्वेस्टिगेटर ट्रेवल करता है, फेस करता है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर व्हीकल होता है, एक टीम के पास पूरी अपनी कंप्लीट यूनिट होती है, जिसमें हमारा हेल्थ इन्वेस्टिगेटर होता है, फीमेल इन्वेस्टिगेटर होता है, मेल इन्वेस्टिगेटर है, तो वो एक साथ मूव करते हैं एक विलेज में, जो PSU कहते हैं हम अपने टेक्निकल टर्म में, प्राइमरी सेटलिंग यूनिट, जो उसमें 22 हाउस होल्ड सेलेक्ट होता है। तो हर हाउस होल्ड में, जैसे मैम बताए कि वुमेन 50 to 49 एलिजिबल क्राइटेरिया हमारा है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है 50 to 49, ओके, एंड 50 to 54 मैन होता है, मैन का 50 to 54 क्राइटेरिया इज वो हमारा एलिजिबल रिस्पॉन्डेंट है। तो हम इसमें पहले हाउस होल्ड क्वेश्चन फिल करेंगे, हमारा चार टाइप का है, हाउस होल्ड, मैन, वुमेन और बायोमार्कर। तो हाउस होल्ड क्वेश्चनेयर जब फिल करेंगे तो उससे ये पता चलेगा हाउ मेनी पर्सन लिव इन दिस हाउस, कितने मेल है, कितने फीमेल है। तो एक जो मेल होगा उनका मेल इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू करेगा, फीमेल का फीमेल करेगी, और SI जो होगा हेल्थ इन्वेस्टिगेटर वो बायोमार्कर करेंगे, जिसमें ब्लड, जैसे मैंने बताया DBS मॉडल है, डिस्ट्रिक्ट ड्राई ब्लड सैंपल, ठीक है, तो DBS लिया जाएगा, जिसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट है उनका, ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, हाइट वेट मेजरमेंट, क्योंकि मदर का उससे BMI पता चलेगा, चाइल्ड का, ठीक है, चाइल्ड का हाइट वेट लिया जाएगा, उनका लेंथ लिया जाएगा, तो वो एक पूरी प्रक्रिया रहेगी जिसमें आप करेंगे, जितने भी इंडिकेटर है ऑलमोस्ट 50-55 कवर करेगा, वो सब डायमेंशन कवर करते हुए सेटअप क्वेश्चन है, फिर डिफरेंट डायमेंशन में DBS है जो है कि बायोमार्कर क्वेश्चन करेगा। तो चूंकि ये कुछ इसमें ICMR का है कुछ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ICMR के हैं, हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च DBS के, ठीक है, वो कवर करेंगे। तो टीम जो है एक टीम, मतलब पूरी यूनिट एक साथ काम कर रही है। रूरल एरिया में ज्यादातर होगा या मतलब अर्बन एरिया में इसको? ये हमारा अर्बन रूरल, ठीक है, जो PSU मतलब प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट, तो ये एक सिस्टमेटिक एक साइंटिफिक मेथड से सेलेक्ट किया गया है कि हाउ मेनी विलेज, हाउ मेनी अर्बन, उसको CEB मतलब EV कहते हैं, इन्यूमरेशन ब्लॉक, CEB सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक। जो अर्बन में हमारा होगा नगर पालिका का कोई वार्ड होगा, तो ऑलरेडी ये सैंपलिंग मेथड जो है से सेलेक्ट है, ये हमारे फिक्स है, वो फिक्स है, ये जैसे पॉपुलेशन हमारा है ना, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन रूरल है, कितना अर्बन, उसी अनुसार लोकेलिटी भी सेलेक्ट। मैम एक चीज की, पॉलिटिकल और कुछ NGOs वगैरह भी आपकी हेल्प करते हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हो, हेल्प करेंगे हमारा पॉजिटिव वे में, कोई NGO हाँ वही पॉजिटिव अप्रोच कर सकते हैं कि आप इसको हमारा हेल्प करिए, सपोज दैट किसी अर्बन में कोई NGO है उस वार्ड के अंदर, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीजें हो रही है, आप आइए इसको, क्योंकि एक NGO से बात चल रही है। नहीं अभी हमारा, देखिए हम ऐसे हेल्प लेते हैं कि किसी एरिया में हम गए जहाँ पे कोई स्टाइल ठीक है, यूपी में वैसा नहीं है, सपोज जैसे छत्तीसगढ़ में गए, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है या कुछ ऐसा है जहाँ पे लोग घुसने नहीं देते गाँव में, राइट। तो वैसे जो NGO जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है उनसे हम कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके वॉलंटियर साथ में जाते हैं, अदरवाइज हम जनरली NGO का हेल्प नहीं। मैम मेरा एक सवाल इसमें एक और आता है, क्योंकि सबसे अहम है कि हर बार हमने देखा है जब भी सर्वे होते हैं तो होता क्या, हमने पिछले कुछ सर्वे देखे जिसमें आशा वर्कर्स के ऊपर जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो घर में ही बैठे बैठे रिपोर्ट बना देते हैं, इस सर्वे में तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सर्वे भी ऐसा ही हो रहा है इसमें और आपके सर्वे क्या है? जो हम लोग ये KP बेस्ड जो है, ठीक है, तो इसमें हर KP में GPS लगा है, तो कौन सा उनसे घर कर रहे वो भी हमारे पास आता है रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि जो एक जगह बैठ के वो GPS आपको पता चल जाए वो कैसे, वो सर्वेयर की भी आप रिपोर्ट रखते हैं, वो मॉनिटर किया जाता है, ये जो है KP बेस्ड इंटरव्यू, ठीक है। और जब हमारा एक्चुअली इसके पहले हमारी मैपिंग लिस्टिंग होती है, ठीक है, मैपिंग लिस्टिंग वो ऑपरेशन है जो जिसको सैंपलिंग फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो हम एक जैसे सपोज दैट कोई PSU है, कोई रूरल एरिया है, कोई गांव है, तो उसमें जाकर पहले जैसे ये ऑनगोइंग प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है, मैपिंग लिस्टिंग, तो पहले सपोज दैट कोई गांव है तो सेलेक्ट है सर्वे के लिए, तो सबसे पहले हम लिस्टिंग करते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं, लोकेशन क्या है,
उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से क्या लोकेशन है, फिर इसके बाद लेआउट बनता है कितने हाउस होल्ड है उसमें, कितने रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल है, ठीक है, एक कंप्लीट फ्रेम बनता है, उससे हमारा एक सैम्पलिंग फ्रेम प्रिपेयर होता है, दीज आर द हाउस होल्ड, ये उनका नंबर है, यूएसयू नंबर है, क्लस्टर आईडी है, एक जनरेट होता है सैम्पलिंग फ्रेम, उससे हम हाउस होल्ड सेलेक्ट करते हैं, फिर वो हाउस होल्ड जो 22 सेलेक्ट होता है उसमें टीम जाकर सर्वे करती है, उसी में ड्यूरिंग मैपिंग स्टिंग्स में जीपीएस इन्वॉल्व है, जीपीएस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते ट्रैक करते रहे, हाँ, ट्रैक करने के लिए हमको इस जगह की। मैम एक लास्ट सवाल और कि जो सर्वेयर्स हैं उनको क्या कंपनसेशन है या सैलरीड है या डेली वेजेस के साथ? हम प्रोजेक्ट बेसिस पे उनको लेते हैं, उनकी 21,000 सैलरी होती है पर मंथ, ओके, तो वो पैकेज उनको मिलता है, और इसके अलावा तो एक प्रोजेक्ट कितने समय के लिए रहता है? 4 महीने के लिए, एक्चुअली 6 मंथ्स का था, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को डेटा अर्ली चाहिए इसलिए हम इसको अप्रैल में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हर टीम को 7 मेंबर्स की टीम होती है, हर टीम का एक सुपरवाइजर होता है जो उनका लॉजिस्टिक्स और बाकी चीज़ों को देखता है, और हर टीम के लिए एक व्हीकल डेजिग्नेटेड होता है, जैसे ये यहाँ से ट्रेनिंग करके निकलेंगे इनके साथ ही वो व्हीकल रहेगी 4 महीने, तो वो गांव जाते हैं उससे जहाँ ये रुकते हैं व्हीकल वहीं पे रुकती है, और इनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस कराया जाता है, सारे जितने हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई दुर्घटना हुई तो उसका भी हम ख्याल रखते हैं इंश्योरेंस के थ्रू, इनका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी, हाँ, वो तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे पुलिस वेरिफिकेशन एज सच नहीं होता है, लेकिन हम इनका आधार कार्ड एंड अदर डिटेल्स, ठीक है, थैंक यू।